दोस्तों, अगर आपको लगातार गैस बनी रहती है तो आइए जानते हैं इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके घरेलू नुस्खों में क्या आजमा सकते हैं। गैस बनने की समस्या एक आम समस्या है। शायद ही ऐसा कोई हो जिसको गैस का सामना न करना पड़ता हो। कभी-कभी गैस बनने की बात अलग है, लेकिन अगर आपको बार-बार लगातार यह समस्या हो रही है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी कभी गैस फंसने की वजह से छाती में दर्द होने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसका निवारण तुरंत करना चाहिए, क्योंकि पेट में बार बार और लगातार गैस बनने की समस्या आपको भविष्य में गंभीर रोग दे सकती है। वैसे तो गैस बनना पाचन की एक आम प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर लोग दिन में 15 बार गैस पास करते हैं। यदि इससे ज़्यादा होता है तो आपको समझना चाहिए कि आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हैं। क्या है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? पेट में गैस की समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की मेम्ब्रेन लेयर गड़बड़ा जाती है और एसिड का स्त्राव होता है। एक बार जब यह एसिड पेट की दीवारों के संपर्क में आ जाते हैं तो यह दर्द और बेचैनी को जन्म देता है। आमतौर पर यह समस्या 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अस्वस्थ जीवन शैली बच्चों पर भी इसका प्रभाव डालती है। क्या है गैस के लक्षण? गैस की समस्या काफ़ी असहज हो सकती है, लेकिन यह आम तौर पर गंभीर नहीं होती। हालांकि कुछ मामलों में यह काफ़ी भयानक साबित हो सकती है। ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती और कुछ ही मिनटों में आराम भी मिल जाता है। सामान्य तौर पर नज़र आने वाले कई लक्षण शामिल होते हैं, जैसे कि खट्टी डकार आना, पेट में ऐंठन, पेट फूल जाना या भरा हुआ महसूस करना, पेट के आकार में वृद्धि या पेट टाइट होना, और आपके सीने में दर्द हो सकता है। तो आइए जानते हैं गैस से निजात पाने के लिए आप कौन कौन से घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं, जिसमें पहला है अजवाइन और काला नमक। अजवाइन एक ऐसा मसाला है जो आपको गैस की समस्या से इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है। यह एक जांचा परखा आयुर्वेदिक इलाज है जो बरसों से गैस की समस्या में प्रयोग किया जा रहा है। आपको अजवाइन और काला नमक को पीसकर चूर्ण तैयार कर लेना है। दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। हालांकि ज़्यादा सेवन से बचें, अन्यथा दस्त की समस्या भी हो सकती है। दूसरा है अदरक का जूस। गले की खराश को दूर करने के लिए ज़्यादातर अदरक का उपयोग किया जाता है, लेकिन गैस की समस्या में भी यह एक रामबाण इलाज है। इस बात से कोई दुराय नहीं है कि यह आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। आपको 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करके इसमें नींबू का रस मिलाकर सेवन करना है। तीसरा है त्रिफला। पेट की कई समस्याओं के लिए त्रिफला काफ़ी फायदेमंद होता है, जिसमें गैस भी एक बड़ा नाम है। कई बार ज़्यादा गैस बनने से एसिडिटी की समस्या होने लगती है, जो काफ़ी जलन देती है। उस स्थिति में त्रिफला का चूर्ण फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने का बस उचित तरीका पता होना चाहिए। यदि आप त्रिफला का सेवन करना चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए आधे चम्मच त्रिफला को पानी में उबाल लें और फिर रात में सोने से पहले इसका सेवन करें। हालांकि ध्यान रहे कि त्रिफला में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, इसका ज़्यादा सेवन आपको समस्या भी दे सकता है।